तो हेलो और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू डे में। आज मैं फिर से खेले जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट और आप ऊपर देख सकते हो मुझे जल्दी जल्दी इंट्रो देना पड़ रहा है बिकॉज की पिलेजर कभी भी रेड मार सकते हैं। मैंने उसके लीडर को मार दिया था बिकॉज की मुझे रेड परवाह नहीं थी यार। वो लोग विलेजर मतलब की डामी नहीं कम कर रहे थे, मतलब की भाई 20 और 25 एमराल्ड में कोई एंटेनमेंट बुक देता है क्या, तो मैंने जबरदस्ती रेड करवा दी। अभी तो उन लोगों को देना ही पड़ेगा मुझे सस्ते में अगर मैं रेड जीत गया तो लेट्स गो। मैं रेड जीत पाता हूँ या नहीं अभी कितनी रेड पड़ेगी वो तो मुझे भी नहीं पता, तो लेट्स गो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके और ये और मैं सहन नहीं कर सकता। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये वाली रेड में भी, पहली रेड में भी हुआ था, अभी ये वाली रेड में भी मेरा वीडियो का माइक ऑन नहीं था। अभी आप मेरी जगह रह गए सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा अपने आप पर कि मैं कितना लापरवाह हो सकता हूँ भाई कि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया। अभी मैं क्या क्या बक रहा होगा आपके लिए कि ये कर रहा हूँ बट इसमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है, आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि इस वीडियो में एडिटिंग मैं करने वाला हूँ। अभी मुझे और एक्स्ट्रा आवाज़ देनी पड़ेगी ये वीडियो के लिए, जो कि मैं अभी दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ही होगी। अभी भाई मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है बट एनीवेज अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँगा कि ये देखो मैं मुझे एक शार्पनेस ट्री दे रहा होगा। ओके ये वाला होगा देखो, ओके ये शार्पनेस ट्री वगैरह मैं दे रहा होगा ये मैं बता रहा था बट ये मेरी बिल्कुल भी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैं मतलब कि पीछे से वॉइस दे रहा हूँ, इसलिए एक्टिंग को चालू करते हैं। ओके ये है पहली रेड का पहला पिलेजर जिसको मैंने 10 बो मारा है, इसमें से सिर्फ 3-4 लगे हैं। अभी ऑब्वियसली 6-7 नहीं लगे वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई बेइज्जती किसी को भी नहीं पसंद। अभी एक नीचे है इसको मैं मारता हूँ अपनी नई शॉट से भाई, इससे मैंने हाथ साफ नहीं किया है। ओके इसको मारते व्हाट भाई 6 एमरेल, ओ भाई 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 ओके सामने भी एमरेल है, कितने हो जाएंगे हमारे, ओके नो ओके 7 हो गए और हमें हेलमेट भी मिला है तो हमारा ओके इसके रिपेयर ही कर देते हैं ना क्योंकि वो पूरा हो जाएगा। लेट्स गो रिपेयर हो गया और कहाँ है 2 बंदे, बहुत बुरा भाई एक ही साथ दोनों के दोनों मिल गए। ओ ये तो सामने ही आ रहा है, इसको मुझे शॉट से ही मारना पड़ेगा। ये ले ओके ये गया, ओ नो एमरल हो गए। ओके सामने एक और है इसको भी मैं शॉट से ही मारूंगा। ओके ओ भाई ऑलमोस्ट नई चेस्ट मिली है हमें, हमारी चेस्ट बहुत ही पुरानी हो गई थी। और हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा आयरन है बिकॉज कि मुझे एक जगह मिल गई है जो कि आप केव भी कह सकते हो, बहुत ही गहरी केव है, उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा आयरन और कोल वगैरह मिले थे जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरी रेड आने वाली है, ओके आ गई, यहाँ पे सारे के सारे बंदे यहाँ पे है। ओके एक को मारा किसको, ओके ये एक्स वाले को मारता हूँ। अबे इसको लग क्यों नहीं रहा, ये दोनों की फाइट हो गई। ओके तो मैं इसको मारता हूँ, ओके ओ भाई इसमें नॉक बैक नहीं है फिर भी इतना दूर क्यों जा रहा है, ओके शील्ड की वजह से। ओके चलो ओ एंटेनमेंट वाला मतलब कि एंटेनमेंट वाला चेस्ट मिला, वाओ देखो मैं अंदर जाके देखता हूँ कि क्या क्या एंटेनमेंट है उसमें। ओके चलो देखते हैं, ओ प्रोटेक्शन 1 और अनब्रेकिंग, वाओ बस चलेगा फ्री में तो सब कुछ चलता है। चलो अभी बेफिजुल की चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, मतलब कि एमराल्ड तो बेफिजुल का नहीं है बट अगर मैं मर गया और ये गुम हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ इसलिए मैं रख देता हूँ। ओके चलो अबे एक और बंदा बाकी है, ओके चलो एक और बंदा बाकी है तो उसको मार के आते हैं। तो ये रहा लास्ट का पिलेजर, ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वेंडेक्टर है, मुझे लगा पिलेजर है। ओके ये वेंडेक्टर है, अभी इसको मारते हैं इसकी एक्स से ही मारते हैं। रुको ले ले भाई, ओ इसने क्या दिया भाई एक ही साथ इतना, ओ भाई एक ही एमराल्ड, ओ इसकी कुछ इज्जत नहीं है क्या। बट तीसरी रेड पड़ने वाली है ये हमें नहीं भूलना चाहिए, लेट्स गो जल्दी से जल्द तीसरी रेड। और हमें हीरो ऑफ द विलेज का खिताब चाहिए ताकि मैं एंचेंटमेंट बुक ले सकूं, भाई इसके लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। अब मैं पूरा वहां पे देख के आया, अभी मुझे तीसरी रेड के बंदे दिख गए। ओ वो गेंडा भी आया है भाई, उसका नाम क्या है रेवेजर, हाँ रेवेजर भी आ रहा है। ओके इसको लगा और एक लग जा सिर्फ एक, ओके ये गया, उसके पास एमरल्ड भी है वो लेने जाएंगे बट ओ ये चूक गया, उसके पास एंटेनमेंट वाला है क्रोसबो। ओके अभी उसको तो नहीं लगना चाहिए, उसको तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, अभी शाम हो रही है। ओके इसको मारते हैं, ओ अबे भाई अचूक निशान आया मेरा तो भाई डायरेक्टली उसको ही लगा। अबे तो इसको तो मुझे पानी में जाके ही मारना पड़ेगा, ओ ये पानी में पुटले की तरह हो जाता है, ये हमें कुछ करता ही नहीं है, आप उसके जितने भी करीब चले जाओ ये आपको कुछ भी नहीं करेगा, देखो ये मर गया। बट ये कितना भी ताकतवर हो इससे आपको एक सैडेड ही मिलेगी, दूसरा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ओके अभी सो के आते हैं बिकॉज कि रात को फाइट करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ज़ॉम्बी लोग भी आने वाला है। ओके इनमें से एक तो यहाँ पे है, अभी दूसरा भी वहां पे है,
इसको पहले मारते हैं। ओके ये मेरे पास आएगा, उससे पहले तो मैं इसको मार दूंगा ना। ओके मर गया। ओके अभी ये लेफ्ट साइड में एक था, उसको मैं मारने देता हूँ, उसको तो मैं सॉर्ड से ही मारूंगा। ओके अभी मुझे ये बो को भी एंटेंड करना है। अभी इसमें कौन सी एंटेंटमेंट आएगी वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ करना है। ओके ओ मारा इसने तो मुझे, लेट्स गो। और एक मार तू मुझे, ये ले ये। ओ एक एक दो खत्म। ओके इससे मुझे एमरल और एंटेंटमेंट वाला क्रॉसबो मिला। ओ और एक एंटेंटमेंट वाली चेस्ट, नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके चौथी रेड पड़ने वाली है, पहली बार मैं ये चौथी रेड का सामना करूंगा भाई, वरना तो मैंने तीन ही रेड का सामना किया है। ओके अभी चौथी रेड में बंदे कहाँ से आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, मतलब कि पीले जर। ओके कहाँ से आएंगे, ये सेफ ही है ना सारे के सारे। ओके अभी देखते हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक है तो वो लोग आयरन गोलम पे टूट पड़ा है, मैंने वो दूर से दिखा। देखो भाई, और भाई आयरन गोलम तो भाई मर्द है, देखो अकेला सबसे सामना कर रहा है, बट मैं इसकी हेल्प करूंगा, इन लोगों को मार के भाई उठा उठा के पटक रहा है आयरन गोलम तो। अबे चौथी रेड का सामना उस अकेले ने ही कर दिया, वाह आयरन गोलम। मैं तुझे एक भेंट दूंगा, मैं अपने वहां से आयरन लेकर आता हूँ और इसको रिपेयर कर देता हूँ, रुको वेट ए सेकेंड। और सोते भी हैं बिकॉज की रात भी हो गई है और बारिश भी हो गई है। आयरन गोलम को रिपेयर तो कर दिया, बट वहां पे एक बंदा दिख रहा है। ओके एक एरो से लग गया है, ओ दूसरा भी लग गया, खत्म खत्म खत्म। ओके अब ये पांचवी रेड है, ओ रेवेजर भाई रेवेजर, नहीं 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 ब्रो नहीं। ओके खत्म हो जा खत्म। ओके फाइनली खत्म हो गया और सैलरी मिला, दूसरे को भी मैं ऐसे ही मारूंगा। ये इन लोगों के रेवेजर को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको बताओ तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं बताओ तो आप ये आजमा सकते हो क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके ओ वहां पे दिख रहा है, इसको मैं मारूंगा। ओ अगर वो हिला ना होता तो उसको ही लगता। ओ ये तो वेंडेक्टर है, इसको तो मैं ऐसे ही मारूंगा, तेरे को मैं आने भी नहीं दूंगा, देख फाइनल। ओके ओ इसने पिकेक्स और एक्स दोनों ड्रॉप किया, ये दोनों चलाता है क्या, दूसरे का भी सवाया हो रहा है। ओके ओ ये भी खत्म हो गया, चलो। ओके अभी कौन, दो तीन ही बाकी होंगे आई थिंक सो, तो इतना बचा है तो दो तीन ही बाकी होंगे, और आई होप कि ये आखिरी रेड होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद अभी लड़ने की ताकत मेरे में तो नहीं है। ओके ये एक दिख रहा है, अबे वो इसको लग गया, अभी ये कर क्या रहा था वो मुझे नहीं पता चल रहा, ये यहां से वहां हो रहा था, वेंडेक्टर है यही पागल है। ओ इसने एमरेल और एक्स वगैरह ड्रॉप किया, ओ एक्स एंटेनमेंट वाली एक्स है, नाइस। अभी आई थिंक सो दो ही ओके दो ही बाकी है, लेट्स गो। अभी ये दो कहां पे मिलेंगे नमूने। ओके तो ये वेंडेक्टर को मारने के बाद मैंने वीडियो ऑफ किया था, लास्ट को पिलेजर को मारने से पहले मैंने वीडियो ऑफ किया था, तो मुझे वहां पे पता चल गया था कि मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फिर बाद में मैंने सेटिंग में से ऑन कर दिया और अभी इसके बाद मेरी रियल मतलब कि नेचुरल वॉइस ही आपको सुनाई देगी जो कि मैं गेम खेलते हुए बोल रहा था। ओके फाइनली एक बचा है, अभी एक को तो मैं मार ही दूंगा, बट वो एक कहां पे है। ओके एक कहां पे है, ओए भाई वो अंडर ही है, निकल। ओके टोटम भाई, टोटम भी मिला हमें, नाइस। ओके लेट्स गो, अभी हमारे पास है हीरो ऑफ द विलेज का खिताब जो कि है 39 मिनट्स के लिए, तो मैं जल्दी से ट्रेड करूंगा बिना किसी देरी के। ओके ओहो ओके अबे जाने दे जान दे मेरे को। ओके ये वाला तो है, अभी देखते हैं ट्रेड नाउ ट्रेड। ओ भाई सबके दाम गिर गए भाई, यस यस। ओके अभी इसको रहने देते हैं, ओ ये रहा स्टिक वाला, ओ नाइस नाइस नाइस। ओ अभी खत्म। ओके यहाँ पे ये है जो कि हमें एमरल्ड दे रहा है, नाइस। अभी सब कुछ मेरा खत्म हो गया, अभी मेरे पास एमरल है मतलब कि ऑलमोस्ट एक्स टेक, मतलब कि दो स्टेक तो गिन ही सकते हो। ओके फिलहाल के लिए तो हमारे पास टीनी बुक है, अभी इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, बट लेट्स गो। अभी हमें तो ग्लास भी सेल करने है ना, चलो भाई चलो। 36 एक्सपी हो गई है, नाइस। प्रोटेक्शन 3, ओ भाई 70 मतलब कि 27 में ले लेते हैं, लेट्स गो। अभी के लिए तू रहने दे, बाद में आना तू थोड़ा सा। ओके इसको मैं हाथ में लेता हूँ ताकि हमारी सो गए सबके सब, हमें भी सो जाना चाहिए, चलो सो के आते हैं भाई। वो लोग है भाई हीरो ऑफ द विलेज में, ये लोग हमें नहीं मारते क्या,
वो ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके अभी ग्लास से, अबे यार रुको मैं यहीं पे ही क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ पहले तो। ओके नाइस, अभी लेट्स गो। ग्लास से कौन ट्रेड करेगा, तू है क्या? ओके ये है, लेट्स गो। ओके ये है, चलो। ओ नाइस नाइस, और है भाई सिर्फ 8-8 ग्लास में ट्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे बुक्स लेनी है, ये कौन सी है? शार्पनेस 3, लेट्स गो। ये मैंने शार्पनेस 3 भी की, मतलब 3 की भी ले ली। ओके मुझे फायर एस्पेक्ट 2 वाली चाहिए, आई थिंक सो यही है। ओके फायर एस्पेक्ट 2 भी मिल गई, लेट्स गो। अभी हमारे पास बुक बिल्कुल भी नहीं है, लेट्स गो। ओके अभी हमें, मैं बता देता हूँ, मुझे बो को एंचेंट करना है। ओके ये नया वाला बो लेते हैं। ओके यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे फ्लेम वन दिखा रहा है, बट कुछ भी मिल सकता है इसमें। देखो पीछे एक क्वेश्चन मार्क है, तो लेट्स गो लेना चाहिए हमें। ले लिया क्या? प्लीज प्लीज प्लीज, फायर वन, अनब्रेकिंग 3 और पावर, भाई साहब बहुत बढ़िया। ओके भाई मुझे बो में तो बहुत अच्छी मिली है, आई थिंक जो बहुत अच्छी मिली है। आप मुझे कमेंट में बताना फ्लेम 1 और अनब्रेकिंग 3 और पावर 4, वाओ। ओके ओ इसमें भी अनब्रेकिंग आ गया, नाइस। अभी देखो मैं हेलमेट में देखता हूँ, अबे भाई लगा भी दिया मैंने, मैंने तो सोचा भी नहीं यार, इसको मैं नहीं लगा सकता। ओके अभी मेरी 30 XP आई थिंक से कम हो गई होगी। ओके मुझे पता था, अभी हमें एनविल बनाना है। अभी करते हैं यहाँ पे एनविल को, अभी ये हमारी शॉर्ड। अभी भाई ओके फायर एस्पेक, लेट्स गो। अभी आएगा प्रोटेक्शन तो नहीं आएगा, शार्पनेस 3 हैं, बट वाई भाई शार्पनेस आ क्यों नहीं रहा? मैंने शॉर्ड के लिए तो ही तो लिया था, पेज तो है, चार बुक बन रही है, लेट्स गो। ओके हो गई हमारी चार बुक कंप्लीट, 3। ओके यही है, ले लेते हैं एक और। अभी मुझे चेस्ट में डाल लिया, अभी के लिए मुझे कुछ भी अभी नहीं चाहिए। ओके चलो, ओके चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आर्मर रेडी। ऑल राइट तो अभी हमारी जब 30 XP होगी फिर हम बात करेंगे दूसरी एंचेंटमेंट का। अभी के लिए तो हमें ये सारी चलानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन 4 और इसमें प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 3 और इसमें टोन्स 2, प्रोजेक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3, ऐसा कुछ इसमें है। अभी इससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा, बाकी हमें आज दूसरा, हाँ रुको वेट वेट वेट, ये हमारी एफिशिएंसी वाली पिकेक्स आजमाने का टाइम आ गया है। इससे हम रुको, ओके चलो इससे हम वो ऑब्सीडियन तोड़ने जाएंगे, बिकॉज कि हमें नेदर पोर्टल भी बनाना है। कि मुझे वो ड्रीम वाला तो कुछ करना नहीं आता, बिकॉज कि मैं इसमें बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, तो दैट्स वाई ईजी ईजी पीजी, देख लिया यही करना चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो है ही, वहाँ पे रूइंग पोर्टल के बाजू में तो है ही, बट इसमें 2-3 कम पड़ेंगे, वो मैं यहाँ से लेने आया हूँ, तो 2-3 लेके हम जाते हैं। ओके मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो कि एफिशिएंसी का काम ही यही होता है, स्पीड ज़्यादा। ओके वो लावा में चला गया। एनीवेज हमारे पास 8 तो हो गए हैं और आधे हमें वहाँ से मिल जाएंगे रूइंग पोर्टल में से, तो लेट्स गो रूइंग पोर्टल। ओके वहाँ पे है, जल्दी से जाते हैं, लेट्स गो। और आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि वो शॉर्ट में शार्पनेस 3 क्यों नहीं आ रही, अभी कोई उसमें दिक्कत है कि नहीं। अगर आपने कमेंट किया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। ओके अभी मैं बनाने वाला हूँ रोइंग पोर्टल यहाँ पे। ओके हाँ ये थोड़ी सी पागलपंती है, बट मैं यहीं पे ही बनाऊंगा चार्ज, वाओ। अभी देख ही लेते हैं हमें कौन सा स्पॉन मिलता है, अच्छा मिल जा प्लीज़ प्लीज़ अच्छा मिल जा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके भाई ये होगलिंस के बाजू में मिला है मुझे,
ओके यहाँ पे अभी के लिए तो आना सुरक्षित नहीं है बिकॉज कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। बड़ा मैं स्पॉन यहाँ पे मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा तो कुछ, ओ भाई नीचे लावा है, अगर मैं गया ना। ओके ये कुछ हमें स्पॉन मिला है, अभी के लिए यहाँ से चले जाते हैं बिकॉज कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मेरी चीज़ें चली गई तो ये वाली चीज़ चली जाएगी, दूसरा कुछ नहीं। तो हमारा सारा कुछ काम भी हो चुका है, मतलब कि एंचेंटमेंट भी हो गई, मैंने नेदर पोर्टल भी बना दिया है और अभी हाँ अभी कुछ भी काम हमारा बाकी नहीं है। तो चलो ओके, तो आज का हमारे ये वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने हमारे आयरन के पूरे आर्मर को एंचेंट कर दिया और उसके साथ ही साथ हमने बो को भी एंचेंटमेंट दी, जिसमें हमें फ्लेम 1, अनब्रेकिंग 3 और पावर 4 मिला है, जो कि मुझे अनब्रेकिंग 3 और पावर 4 तो अच्छा ही लग रहा है बट फ्लेम 1 ठीक ठाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी ये वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर देना ताकि ऐसे मजेदार गेम प्ले की वीडियो सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Can I be your superhero?